एक गाइस, आज से जो है हम इस चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस पर मैं आपको होममेड प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि होम में वर्क आने वाले प्रोडक्ट है, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रीजर एंड जूसर मिक्सर, इस तरह के प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि इनमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगा है। अब मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड जो है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आ गए हैं, 500-500 रुपये के अंदर में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है। मैं आज जाने वाला हूँ अपने यहाँ पर जो मार्केट पड़ती है उसके अंदर में, आज एक BMR रेफ्रिजरेटर्स की वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चलिए फिर चलते हैं उस शॉप्स के अंदर। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ न्यू कपूर इलेक्ट्रॉनिक्स देवबंद के अंदर। यहाँ पर जो है मैं आपको एक रेफ्रिजरेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मैंने इनके शोरूम में देखा तो कुछ यूनिक सा डिज़ाइन देखने को मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके फीचर्स आपको बताए जाए। अगर आपको जो है न्यू कपूर इलेक्ट्रॉनिक्स से संपर्क करना है तो फुल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या मोबाइल नंबर भी मिलेगा, वहाँ से कॉल करके बात कर सकते हैं इनसे। तो चलिए आपको जो है इसके मैं हाईलाइट फीचर्स के बताता हूँ जो कि यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगर इसकी फ्रिज की कैपेसिटी की बात करेगा, 340 लीटर कैपेसिटी है इस फ्रिज की, और इंडियंस नंबर वन में डिजाइन है इसका, अभी तक किसी ने नहीं बनाया इस डिजाइन में, इंडियंस नंबर वन यहां पर लिखा हुआ है। मैजिक कन्वर्टेबल इसके अंदर फीचर्स देखने को मिलते हैं, ट्रिपल इन्वर्टर एंड डुअल फैन टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, इसके बारे में आगे पूछेंगे हम। वन हॉर्स में जो है बर्फ को जमा देगा गाइस, झुकना मत इसके बारे में पूछेगी, झुकना मत क्यों लिखा है यहाँ पर। तो चलिए 10 ईयर्स की वारंटी देखने को मिलती है, अभी वारंटी के बारे में देखेंगे किस प्रकार से वारंटी हमें प्रोवाइड करी जाती है। और यहाँ पर देखिए हायर की ब्रांडिंग लिखी हुई, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, स्टील बॉडी है। और यहाँ पर जो एक टच पैनल देखने को मिलता है जो कि इसके फीचर्स के बारे में है, आगे आपको बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप किस तरीके से टच पैनल काम करता है। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा है फर्स्ट मैजिक कन्वर्टेबल BMR फ्रिज है, डुअल फैन मैंने आपको बताया, 2 फैन इसके अंदर लगाए हुए, ट्रिपल इन्वर्टर ये भी मैंने आपको बता दिया, 10 ईयर की वारंटी इसके देखने को मिलती है। चलिए अंदर का आपको एक बार लुक दिखाते हैं कैसा देखने को मिलता है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं अंदर से कितना ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, यहाँ पर स्पेस भी है जो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर पहले फ्रिज होता था, जितने भी अपने मैंने देखे फ्रीजर यहाँ पर देखने को मिलता था। यहाँ पर जो है LED देखने को मिलती है, यहाँ पर आगे आपको चला के दिखाऊंगा किस प्रकार से चाना हमको देखने को मिलता है इसके अंदर। यहाँ पर जो है हम वेजिटेबल को स्टोर कर सकते हैं, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह का स्टोर आपको देखने को मिलता है। नीचे से ओपन करने का यहाँ पर इसको, तो इस तरह का वाइट में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। और यहाँ पर लिखा है टफन ग्लास, अभी इसके बारे में पूछे कितना ज़्यादा मजबूत है ग्लास, अभी बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो यहाँ पर साइड में आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर जो है आप बोतल को स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपके मसाले वगैरह होते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर जो है दूध की बोतल स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर जो है अंडे वगैरह आप जो भी रखना चाहते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको ऐसे रख के दिखा देता हूँ, तो चलिए इसको बंद करते हैं और एक बार जो है देख लेते हैं इसका फ्रीजर किस प्रकार का देखने को मिलता है गाइस। तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, इसको यहाँ से ओपन करना है गाइस, और देखिए फ्रीजर की भी लेंथ कितनी गजब की दे रखी है, एकदम बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग फ्रीजर इसका देखने को मिलता है। इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ मैं गाइस यहाँ से, देखिए गाइस इसमें आप आइस जमा सकते हैं, ये रिमूवल है, आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं नीचे भी, अगर आपको इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे बढ़िया फीचर है। अगर आपको वेजिटेबल नीचे भी रखनी है तो आप इसे फ्रीजर से फ्रिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इस बॉक्स को बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको बंद करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका लॉक मैकेनिज्म कहाँ पर दे रखा है गाइस। तो साइड में आपको बुलाना चाहूँगा कैमरामैन को, देखिए यहाँ पर जो है साइड में लॉक मैकेनिज्म इसमें दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ से आप इसको फ्रीजर्स को ओपन करना है क्योंकि आगे से पूरा क्लीन देखने को मिलता है हमारे फ्रीजर। और यहाँ पर देखिए आपको लेदर ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि प्रीमियम सा फील होता है, आप अगर फेरते हैं यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, आपको डिस्प्ले के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए गाइस फ्रिज जो है ओपन हो चुके हैं, सारे स्टेप बाई स्टेप लाइट जली, और यहाँ पर जो है एक लॉक मैकेनिज्म है, 3 सेकंड के लिए लॉक करोगे तो कोई भी डिस्प्ले में कुछ भी वर्क नहीं करने वाला है। यहाँ पर फ्रिज है और फ्रीजर है, तो एक बार कन्वर्ट करते हैं फ्रीजर को फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है 3 सेकंड प्रेस करके रखना है और कन्वर्ट हो जाएगा फ्रिज के अंदर ये। देखिए गाइस दोनों का टेम्परेचर सेम हो चुका है, तो कन्वर्ट हो चुका है, अब हम इसके अंदर भी जो है वेजिटेबल वगैरह रख सकते हैं। और एक फीचर देखने को मिलता है ऑटो सेट का, तो ऑटो सेट का मतलब होता है जिस अगर आप ऑटो सेट पे कर दोगे तो आपने जिस दिन से इस फ्रिज को यूज़ किया अपने हिसाब से जो है आपको मेज़र कर लेगा और उस हिसाब से कूलिंग स्टार्ट करेगा इस फ्रिज की। पावर कूलिंग को जो एक बार ऑन करते हैं, डिस्प्ले लॉक हो चुकी है, इस पर एक बार ओपन करना पड़ेगा गाइस। देखा इस अनलॉक हो चुकी है, पावर कूलिंग पर हमें एक बार
बटन दबाते हैं तो -1 पर चले जाएगा, पावर कूलिंग करेगा। टर्बो आइस पर हम जो एक बार क्लिक करते हैं, देखिए 28 मतलब जो है 1 hour के अंदर जो हमारा फ्रीजर है वो बर्फ आइस जो है जमा देगा गाइस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको जो है सर्दियों में जो है वेजिटेबल्स वगैरह रखनी पड़ती है तो फ्रिज बर्फ़ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है आइस की, तो आप कन्वर्ट कर पाओगे। मुझे बेस्ट फीचर लगा इस फ्रिज का, कन्वर्ट मैं एक बार कर देता हूँ फिर से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसकी डिस्प्ले को चलाने के लिए, क्योंकि पहले आपको ये बंद करना पड़ेगा जब वो वर्क करेगा गाइस। बंद कर देते हैं यहाँ से इसको भी, तो कन्वर्ट करते हैं। देखिए गाइस कन्वर्ट हो चुका है फ्रीजर में, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरे साथ में, क्योंकि मैंने पहली बार जो है टच वाले फ्रिज को यूज़ किया। तो अब जो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्रीजर को जो है नीचे क्यों रखा गया और फ्रिज को जो है ऊपर क्यों रखा गया, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था। तो मैं अपने चैनल की वीडियो में बुलाना चाहूँगा प्रिंस कुमार कस्तूरो को, जो कि हायर सेल्स में काम करते हैं, उन्हें मेरे से ज़्यादा पता होगा उनकी कंपनी ने क्यों बनाया, वे आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। तो मैं बुलाना चाहूँगा प्रिंस कुमार कस्तूरो जी को। तो वेलकम सर, आप हमारे चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारा एक क्वेश्चन है सर कि जो इसका फ्रीजर है वो आपने नीचे क्यों किया, ऊपर क्यों नहीं किया, क्योंकि जितने भी मैंने अभी डबल डोर फ्रीजर को देखा उनमें जो ऊपर होता है फ्रीजर और फ्रिज नीचे होता है, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि इसका फ्रिज नीचे क्यों दिया है, फ्रिज ऊपर क्यों दिया है, सर हमारी कंपनी ने उल्टे को सीधा किया है सर, वो टेक्नोलॉजी एक उल्टी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि अगर हम कोई डबल डोर फ्रिज लिया हुआ है नॉर्मली सभी घरों में है, उसका फ्रीजर ऊपर है और उसका फ्रीजर ऊपर है, फ्रिज नीचे दिया हुआ है, तो हम एक नॉर्मली कैलकुलेशन लेते हैं सर, अगर दिन में हम फ्रिज को 10 बार खोलते हैं ठीक है सर, तो सिर्फ 2 बार हमको बर्फ़ वाला खोलना पड़ता है, इसको फ्रीजर खोलना पड़ता है, और 8 बार हमें ये खोलना पड़ता है फ्रिज, तो उसके लिए 8 बार झुकना पड़ता है। हमारी कंपनी बोलती है कि आप सिर्फ 2 बार झुक लो ना कि 8 बार, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप बिना झुके कोई भी चीज़ें निकाल लोगे, इसमें कुछ भी निकाल लो बड़ी आसानी से इसके अंदर से निकाल लोगे सर आप, ठीक है सर। ठीक है सर, आपने जी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। तो हम आपको जानना है इस फ्रिज की प्राइस क्या होने वाली है, जो भी किसी प्रोडक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व होती है उसकी प्राइस जस्टिफाई करता है, नहीं एक बार इसकी प्राइस बताइए आप हमको। सर इसकी जो हमारी शोरूम प्राइस है वो है 38,500 सर, अगर हमारे पास स्टॉक में है तो हम इसको 38,000 तक दे सकते हैं सर। ओके, 500 रुपये लेस हो जाएंगे जी सर। तो गाइस इसकी प्राइस आपने सुनी है 38,000 तक आपको देखने को मिल जाएगी इसकी प्राइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी हमारे इस चैनल पे आने के लिए और जस्टिफाई कराने के लिए हमें इस फ्रिज सर, आपका भी मैं आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। तो गाइस जैसे देखा आपने इस फ्रिज के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो इस फ्रिज के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्रिंस जी जो है सारी कमेंट पढ़ने वाले हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल की, तो सिंपली आप कमेंट कीजिए और प्रिंस की तरफ से आपको रिप्लाई आ जाएगा अगर मेरे से आपका कोई क्वेश्चन हो। तो गाइस फिर से आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, मेरी तरफ से आपको 24 hours में इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो गाइस फिलहाल इतना था इस वीडियो में, मिलेंगे आपको फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।